I see the people's means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहां तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर नाइक की एक इंग्लिश वीडियो का उर्दू तर्जुमा है ताकि आपको सुनने और समझने में आसानी रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक गुफ्तगू फरमा रहे थे, रमजानुल मुबारक के अलावा साल के अंदर बाकी कौन से महीनों की सबसे ज्यादा फजीलत है, यानी मुहर्रमुल हराम के रोजों की। तो आप फरमाने लगे कि कमरी तकवीम में मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत ज्यादा अजमत और हुर्मत का हामिल है। जब से अल्लाह पाक ने कायनात तख्लीक की, तब से ही मुहर्रम को खुसूसी दर्जा हासिल रहा। मुहर्रम हुर्मत वाले 4 महीनों में शामिल है, और तमाम अंबिया कराम की शरीयतों में इसकी हुर्मत और ताज़ीम मुकद्दम रखी गई है। दोस्तों, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो यहूद को देखा कि आशूर के दिन रोजा रखते हैं। आपने पूछा ये रोजा कैसा है? उन लोगों ने कहा कि बेहतर दिन है, इसी दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मनों से निजात दी थी, इसलिए हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इस दिन रोजा रखा था। आपने फरमाया कि हम तुम्हारे एतवार से ज्यादा मूसा के हकदार हैं, चनाचे आपने उस दिन रोजा रखा और लोगों को भी उस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। ये सही बुखारी की जिल्द अव्वल में हदीस नंबर 1926 है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप मक्का मुकर्रमा के लोगों के उन कामों से इत्तफाक फरमाते जो मिल्लत इब्राहिमी की निस्बत से अच्छे काम होते थे। इसी बिना पर आप हज की तकरीबात में शिरकत फरमाते थे, और इसी उसूल की बिना पर यौम आशूर का रोजा रखते थे। क़बल हिजरत इस्लाम में आशूर मुहर्रम के रोजे का हुक्म नहीं था। इस दौरानिया के बाद और रमजान मुबारक के रोजे फर्ज होने से कबल हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम आशूरा का रोजा रखते और दूसरों को भी इसका हुक्म फरमाते। एक हदीस मुबारक में मरकूम है, हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जाहिलियत में आशूरा का रोजा फर्ज था, इसके बाद इस्लाम में रमजान के रोजे फर्ज हुए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से इरशाद फरमाया कि अब आशूरा का रोजा तुम्हारी मर्जी पर है, दिल चाहे तो रखो, ना चाहे तो ना रखो। सही बुखारी जिल्द 2 हदीस नंबर 1681। आशूरा के रोजे के हवाले से एक रिवायत में जिक्र मिलता है, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आशूरा के दिन रोजा रखा और इसके रोजे का हुक्म फरमाया, तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इस दिन के यहूदी और नसारा ताजीम करते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आइंदा साल आएगा तो हम नवी तारीख का भी रोजा रखेंगे। रावी ने कहा कि अभी आइंदा साल नहीं आया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। सही मुस्लिम जिल्द 2 हदीस नंबर 172। दोस्तों, इस्लामी लिहाज से हमें बखूबी इल्म है कि हुर्मत वाले महीनों में इबादत और अजर व सवाब जो है ये बढ़ जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह इन अय्याम में बुराई का वबाल और अजाब भी बढ़ जाता है, यहाँ तक कि मुहर्रम के रोजों को रमजान के बाद सबसे अफजल करार दिया गया। इस हवाले से हदीस पाक में मरकूम है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आपसे पूछा गया, फर्ज नमाज के बाद कौन सी नमाज सबसे अफजल है और रमजान के महीने के बाद कौन से रोजे सबसे अफजल। आपने फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी तहज्जुद है, और रमजान के महीने के बाद सबसे ज्यादा अफजल रोजे जो है वो मुहर्रमुल हराम के 9वें दिन के रोजे। सही मुस्लिम जिल्द 2 हदीस नंबर 262। इसी तरह एक और हदीस मनकूल है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत किन रोजों की है? फरमाया, अल्लाह का महीना जिसे तुम मुहर्रम कहते हो। इसी तरीके से बाज़ हज़रात कहते हैं कि यहाँ माह मुहर्रम से मुराद यौम आशूरा है, जिसके रोजे की बहुत ज्यादा फजीलत मनकूल है और इसकी ताईद के बाद आने वाली हदीस से भी होती है। इस हदीस में
माह मुहर्रम की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ की गई है। चनाचे उलमा लिखते हैं कि यह निस्बत तख़सीस के बिना पर नहीं है, जिसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ मुहर्रम ही अल्लाह का महीना है, बल्कि चूंकि तमाम महीने अल्लाह ही के हैं, इसलिए इस मौके पर बतौर खास अल्लाह की तरफ मुहर्रम के महीने की निस्बत इस माह मुबारक के शर्फ व फजीलत के इजहार के तौर पर है। हजरत अबू कतादा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखे, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी गुज़िश्ता साल के तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। जामिया तिर्मिज़ी जल्द अव्वल हदीस 736। इस बाब में हजरत अली मोहम्मद बिन सफ़ी समा बिन अकू हिंद बिन असमा इबन अब्बास रबी बिन तमाउज़ बिन अफरा और अब्दुल्ला बिन जुबैर से भी रिवायत है कि जब आशूरा के रोज़े से मतलब अगर कोई शख्स जो है वो मुस्तफ़ीद हो जाए तो उसके गुज़िश्ता साल के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दोस्तों मुआशरे में आम तासुर यही पाया जाता है कि मुहर्रम की अहमियत दरअसल वाक़ करबला हज़रत हुसैन और उनके रफ़ाक़ा की शहादत के सबब है। बिलाशुबा मैदान करबला में अहले बैत पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए और इसका जितना भी दुख और अफसोस किया जाए उतना ही कम है, मगर इस दिन और बहुत कुछ हुआ। सूरह अल माईदा आयत नंबर 3 इसके अंदर बाकायदा तौर पर फरमाया गया कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल किया, कामिल कर दिया, तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर मैं रजामंद हो गया। ये आप सल्लम के विसाल के तकरीबन 50 साल बाद जो है वाकया पेश आया था करबला का नबी पाक सल्लम की, तो उससे पहले ही मुहर्रमुल हराम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी जिसकी वजह से इसकी अहमियत है। मतलब कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपके दौर के अंदर जिस दिन फिरौन को ख़त्म किया गया, बनी इसराइल को निजात मिली, वो भी मुहर्रम का महीना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मुहर्रम के महीने में मिली। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी पैदाइश मुहर्रम में, नमरूद की आग से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निजात मुहर्रमुल हराम के महीने में मिली। तो यानी इस महीने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वक्तन फवक्तन होती रहीं। तो अल्लाह तबारक तआला की हुज़ूर ये दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात हम सबको अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। इसके साथ ही दोस्तों दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, रिलीजन 72 को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।